नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संकलन के साथ उपस्थित हूं। इस कविता संकलन का नाम है हम नई कविताएं लिखते हैं। ये राजनीतिक कविताएं हैं नंद चतुर्वेदी की। नंद चतुर्वेदी राजस्थान की धरती पर पले बढ़े एक समृद्धशाली भाषा के कवि रहे हैं, बहुत जाने माने कवि रहे हैं और जिस रूप में उनकी पहचान होनी चाहिए भारतीय स्तर पर, वह शायद हिंदी जगत उस रूप में नहीं समझ पाया। इसीलिए हिमांशु पंड्या ने अलग अलग विषयों की कविताओं को अलग अलग काव्य संकलनों से यहाँ पर संकलित किया है। कहने के लिए उन्होंने कहा है कि राजनीतिक कविताएं, इनको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि राजनीति के बिना भारतीय जीवन में कविताओं की चर्चा या आशा नहीं की जा सकती। खासकर वे कविताएं जो समाज के प्रति हस्तक्षेप न करें, उनका कोई अर्थ नहीं। ऐसे समय में जब जातिवाद, पितृसत्ता, सांप्रदायिकता भारतीय समाज को नासूर की तरह से खोखला कर रहे हैं, तब ये कविताएं एक हस्तक्षेप के तौर पर हैं और इनका उल्लेख होना चाहिए। मैं कुछ कविताएं पढ़ देता हूं, जिनसे आपको पता चलेगा कि नंद चतुर्वेदी कितने बड़े कवि थे और कवि के रूप में उनकी सृजनात्मक क्षमता कितनी महत्वपूर्ण रही है और जिनकी कविताओं को बार बार पढ़ा जाना चाहिए। एक कविता है कार्तिक। लौट आई हैं कार्तिक की दूध नहाई रातें घर पिछवाड़े, दूध पीकर दुबके हुए हैं माँ के पास मेमने भय रही। धीरे से आता है तेंदुआ चोर की तरह दुबकता, गद्दीदार पैर रखता, हिंसा की चमचमाती आँखों से चारों तरफ देखता। दिग्विजयी सुल्तान, रेड अलर्ट, सायरन, कर्फ्यू, धारा 144, कुछ भी नहीं पहले या बाद में। भेड़ों का शोकार्त स्वर दिगंत तक जाकर लौट आता है। सब पूछते हैं लोग गडरिये से, क्या हुआ रात को, बहुत बार आवाज दी है भेड़ों ने। गडरिया मेमने गिनता है, दो कम तेंदुए के पंजे अंकित हैं। निर्जीव लेटी भेड़े ही इस शोकांतिका के साक्षी हैं जो खामोश है। एक और कविता है सर। सर, आपका पढ़ाया किसी भी काम का नहीं था। आपके पढ़ाए सिद्धांत आधी कीमत पर भी नहीं बिके, किताबों के औने पौने दाम तक नहीं मिले। उन्होंने उन थ्योरीज पर बात तक नहीं की जिन्हें आप हमें रटाते रहे, जिन्हें इम्तहान में लिखकर हम फेल हो गए। अम्मा ने हंसकर कहा, मास्टर जी ही कौन पास हो गए थे। सर, आप अपने सिद्धांत के हठीले घोड़े पर बैठे रहे, जिसे हम दुबला और दुबला और दुबला होता देखते रहे। शहर वालों ने कहा, यह उस मास्टर का घोड़ा होना चाहिए। सर, मरने के पहले वह एक बार हिनहिनाया था, फिर मर गया। पुलिस वालों ने आप पर मुकदमा किया है। लोकतंत्र में सड़क पर मरना जुर्म है, घर आंगन में मरने की स्वतंत्रता है। सर, लड़कों ने मास्टरों का इम्तहान लिया, सब फेल हो गए, उनकी छुट्टी हो गई। यह उनसे बड़े ओहदेदार ने कहा था, उनसे उनके बड़े ओहदेदारों ने। सर, आपने हमें बड़े होने के लिए कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ यह कविता रटाई, नानक नन्हे भाई चलो। पछतावा नहीं लालच है सर, ऐसा वैसा ही फिर पढ़ें, लगे कि निरर्थक, इम्तहान में फेल हो जाएं, तब भी सफलता की काई कितनी चिकनी, कितनी रफीली उदंड होती है सर। इन कविताओं में जीवन के प्रति जो आक्रोश है, हमारी व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश है, और किसी भी दौर में लिखी है नंद चतुर्वेदी ने, जो वानगी है विद्रोह की, विरोध की, वह अपने आप में यह बताती है कि वह अपने समय के कितने महत्वपूर्ण कवि हैं। एक कविता है, यह समय मामूली नहीं, इससे मैं इसको समाप्त करूंगा। यह समय मामूली नहीं, ठीक सूर्यास्त के समय पूरी किरणें गिनी जा सकती हैं, प्रवाह भी ऐसा वैसा नहीं। तूफान में लोग धीरज और पूरे आत्मबल के साथ धिक्कारते हैं आतताई अन्यायी को। यह समय मामूली नहीं,
भयाक्रांत लोग भाषा व्यवहार के सारे हिस्से को अपने पक्ष में करते हैं। वे बोलते नहीं, लेकिन बोलने वालों की आँख में आँख डालकर पूछते हैं सवाल। यह समय मामूली नहीं, जिन्हें पुराने कागज बही खाते निकाल कर देखने हों, देखे भूतकाल में बाप दादाओं के चेहरे अच्छे लगते हैं और जुड़ा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। जब आखिरी घड़ी आती है, यही होता है, आयु की फसल और जन्म पत्रियों पर टिकती हैं लालची आँखें। यह समय मामूली नहीं, इतना बवंडर धूल धक्कड़ एक साथ, एक खास किस्म का अभ्यास करना पड़ता है चलने के लिए, कुछ नज़र नहीं आता पंछियों के पंखों के सिवाय। बहुत देर तक आता है आकाश, लेकिन आता है अवश्य। यह कविता थोड़ी लंबी है। इस पुस्तक को वाग्देवी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य है 199 रुपये और कविताओं में पृष्ठ संख्या के आधार पर कविता संकलनों को नहीं खरीदना चाहिए, फिर भी इस संकलन में पृष्ठ संख्या है 150। अगले शुक्रवार ऐसे ही किसी एक काव्य संकलन के साथ मैं फिर आपके पास उपस्थित होऊंगा। अगर आप कविताओं में रुचि रखते हैं तो हर दिन साहित्य तक पर आज की कविता में हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल कविताएं पढ़ते हैं, आप उनका कार्यक्रम सुन सकते हैं। अगर आपकी पुस्तकों में रुचि है तो हर दिन एक किताब में मैं एक पुस्तक की चर्चा करता हूँ। अगर आप प्रकाशक हैं तो अपनी पुस्तकें भेज सकते हैं। सोमवार को ठीक इसी समय मैं ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहें साहित्य।